सीएम के ट्वीट के बाद प्रशासन ने आज 5 अप्रैल को बुलाई प्राइवेट स्कूलों की बैठक। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गंभीर। अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग आया हरकत में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर किए गए ट्वीट के बाद अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गई है। कलेक्टर के निर्देश पर आज 5 अप्रैल को प्राइवेट स्कूलों के संचालकों और प्राचार्यों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें जिले के कई प्राइवेट स्कूलों की मनमानी भी खुलकर सामने आ सकती है और उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। हम आपको बता दें कि सिवनी जिले के प्राइवेट स्कूलों की किताबें और यूनिफॉर्म एक ही दुकानों में मिल रही है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं दुकानों से पालकों पर पुस्तकें और यूनिफॉर्म खरीदी के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसकी शिकायतें भी पालकों द्वारा की गई है, लेकिन जिला शिक्षा विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। अब प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के ट्वीट के बाद प्रशासन ने बैठक तो बुलाई है, लेकिन कार्यवाही होती है या नहीं या तो आने वाला समय ही बतलाएगा। अनुसार दिनांक 5 अप्रैल 2024 को 12 बजे आसास के संस्था प्रमुख के एक प्राचार्यों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें शासन के निर्देश का परिपालन कराना है और शिकायतें भी प्राप्त हो रही है कि आसास की संस्था प्रमुख के द्वारा पालकों किसी एक दुकान से पुस्तकें, यूनिफॉर्म, किताबें, अन्य सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही, इसी के संबंध में बैठक आयोजित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी इस आशय संबंधित एक ट्वीट किया गया है, उसी के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया जाना है। शिकायत पाई जाती तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।